जय हो। हाँ, बीरबल हम ही ने आपको बुलाया है। बीरबल पिछले 3 दिनों से रोज शहजादे सलीम हमारे सपनों में आ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है जा बना। क्या खास अच्छी बात है ये बीरबल? हमारे रातों का चैन और दिन की नींद हराम हो गई है। आपका मतलब दिन का चैन और रात की नींद? हाँ वही वही। बीरबल आज सुबह तो हमने बहुत ही विचित्र सपना देखा। क्या जा बना? शहजादे सलीम अचानक जहनी जहनी बातें करने लग गए। हमसे कह रहे थे, अब्बा हुजूर विरासत में हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, न दौलत न शौहरत न मोहरे न महल। जा बना, हमने सुना है कि अक्सर सुबह सवेरे के सपने सच होते हैं। काश ये सपना सच हो बीरबल। जा बना, दरबार का वक्त हो गया, चलें। हाँ आप चलिए, हम आ रहे हैं। बा अदब बा मुलाहिजा होशियार, अल सुल्तान अल आजम अल मुहर्रम अल काफन अल खफत अल खफवा। क्या खौख का खौख, वा क्वा क्वा आख तो कठोर। आप लोग तशरीफ रखिए। अब्बा हुजूर, हमने फैसला कर लिया है। क्या फैसला किया है आपने? कि विरासत में हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, ना महल ना मोहरे ना शौहरत ना दौलत। बीरबल ये तो वही कह रहे हैं। हाँ जा अपना, लगता है कि आपके सुबह सवेरे का सपना सच होने वाला है। हाँ अब्बा हुजूर, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमने फैसला कर लिया है कि हमें अपना एक शाही और फौलादी महल बनवाना है, जिसके लिए हमें जमीन खरीदनी है और उसके लिए हमें आपसे चंद मोहरे चाहिए। कितनी होती हैं ये चंद मोहरे? यही कुछ 1.5 लाख मोहरे। दिमाग ही तो नहीं है आप दोनों का? 1.5 मोहरे की औकात नहीं रखते हैं आप शहजादे सलीम, और 1.5 लाख मोहरे चाहिए आपको। शहजादे सलीम, हम इस रियासत के इस सल्तनत के बादशाह हैं। कोई जिन नहीं है जो आपकी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे। हम आपकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगे। नहीं, आपको नहीं मिलेंगी कोई मोहरे। नहीं। जाबना, हमें लगता है कि एक बार शहजादे सलीम की मांग पर आपको ठंडे दिमाग से विचार करना चाहिए। बीरबल, हमारा दिमाग पहले ही इन्होंने काफी गर्म कर दिया है। थोड़ा भी अगर हमारे दिमाग को और गर्म किया तो हमारे दिमाग पर आप रोटियां सेक सकते हैं। और रही बात मोहरों की, तो हम आज इस दरबार में ऐलान करते हैं कि हम मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर शहजादे सलीम की किसी भी मांग को, किसी भी ख्वाहिश को कभी भी पूरा नहीं करेंगे। अब्बा हुजूर, ये आपने ठीक नहीं किया। हम भी पत्थर का जवाब ईंट से देंगे। चल वासु। चलो भाई साहब। अरे खोला ना, खोला। बंद कीजिए, बंद कीजिए, दरवाजे को बंद कीजिए, अंदर मत आने दीजिएगा उसे। बंद कीजिए, बंद। अरे भाई साहब। वासु। अरे कहाँ वासु? भाई साहब सिपाही। अरे अरे कहाँ है वासु? कठोर। एक और बार। नहीं नहीं, एक और बार। रुको, हम कह रहे हैं कि एक और बार। अब्बा हुजूर ने हमारी मांग को ठुकरा दिया। मुझे पता है सलीम भाई साहब, इस बार आपको ही कोई तरकीब सोचनी होगी, और आपका दिमाग तेज चले इसलिए आपकी सर की मालिश करने के लिए हमने फूलचंद जी को बुलाया गया है। दिमाग वासु, आज हमारी जिंदगी का सबसे बुरा दिन है।
आज अब्बा हुजूर ने बड़े दरबार में हमें जलील किया है। गुस्ताखी माफ़ करो शहजादे, आपको किसी ने भी जलील नहीं किया है, बल्कि आप खुद जलील हुए हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? एक बात बताइए शहजादे, रियासत का सारा सोना किसका है? सल्तनत का। और सल्तनत किसकी है? अब्बा हुजूर की। अब्बा हुजूर किसके हैं? हमारे। तो फिर उस हिसाब से सल्तनत किसकी हुई? हमारी। और सल्तनत का सारा सोना किसका हुआ? हमारा। हमारा। तो फिर अपनी चीज पाने के लिए संकोच कैसा है? उस तरह खोल के समझ गए, हम आज ही छाती चौड़ी करके जाएंगे और अब बहुजूर के कमरे से। कमरे से नहीं सलीम भाई साहब, कमर से। हाँ, अब बहुजूर की कमर से शाही खजाने की कक्ष की चाबी लेंगे और वहां से अपने लिए मोहरे ले आएंगे। सर, इस नाचीज का भी ख्याल रखिएगा जरा, उस तरह खोल के। हो जाएगा फूलचंद, सब हो जाएगा। मोहरे नहीं थी तो इसलिए सपने में आके तंग कर रहे हैं नावाकोल। क्या है ये बीरबल, ये कैसी कार्रवाई है? एक तरफ हमारे शाही खून शहजादे सलीम और दूसरी तरफ हमारे शाही खजाने के वफादार पहरेदार, कौन है इन दोनों में से गद्दार? जा बना, पहरेदार ने शहजादे सलीम पर इल्जाम लगाया कि शहजादे सलीम ने शाही खजाने से शाही जेवरात चुराने की कोशिश की, और दूसरी तरफ शहजादे सलीम का कहना है कि चोरी की कोशिश उन्होंने नहीं बल्कि पहरेदार ने की। दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे और इसी गुस्ताखी में पहरेदार और शहजादे सलीम आपके सामने खड़े। क्या किया आपने शहजादे सलीम? आपकी इस शर्मनाक हरकत की वजह से हमारा सर झुक गया और अब हम अपने फर्ज से पीछे नहीं हटेंगे। बीरबल, कार्रवाई की सुनवाई शुरू की जाए, सुनवाई की कार्रवाई शुरू की जाए, कार्रवाई सुनवाई जो भी है बीरबल शुरू की आ जाए। जी जाबन। शहजादे सलीम, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बीरबल जी, अब्बा हुजूर, हमने चोरी नहीं की है। ये पहरेदार झूठ बोल रहा है, बल्कि असली चोर यही है अब्बा हुजूर। नहीं जहां पना, हम तो कल रात पहरे पर ही थे, हमें अचानक कुछ खटपट की आवाज सुनाई दी और जब हमने जाके देखा तो शहजादे सलीम खुद शाही खजाने का ताला तोड़ रहे थे। अरे गलत, सलीम भाई साहब के पास तो पहले से ही शाही खजाने की चाबी थी, फिर वो ताला क्यों तोड़ेंगे, क्यों रहे हैं? क्या आप अब हमें बता सकते हैं कि खजाने की चाबी आपके पास कहां से आई? हमने आपके कमरे से ली थी, लेकिन अब्बा हुजूर हमने चोरी नहीं की है। माफी चाहेंगे शहजादे सलीम, लेकिन हमारा शक धीरे धीरे यकीन में बदलता जा रहा है। कल दिन में आपने 1.5 लाख सोने की मोहरे मांगी और कल रात में आपने ये क्या कर रहे आप जहां बना? अपने बेटे की बातों पर यकीन ना करके उस पहरेदार की बातों पर यकीन कर रहे हैं आप? हमें पूरा विश्वास है
हमारा बेटा हम पर गया है, कभी चोरी नहीं करेगा। अब्बा हुजूर, ये बात सच है कि हमने खजाने की चाबी चुराई थी और हम खजाने के कक्ष तक पहुंचे भी थे, लेकिन अब्बा हुजूर जब हम वहां पहुंचे तो उसका ताला पहले से ही टूटा हुआ था और अंदर ये पहरेदार चोरी कर रहा था। जहां पना, मैं वाला ऐसा क्यों करूंगा, हमने तो सालों से आपका नमक खाया है। जहां पना, मुझे तो ऐसा लगता है कि इन मोहरों की साजिश में इस गरीब को मोहरा बनाया जा रहा है। आप तो दोनों के दोनों एक जैसी कहानी सुना रहे हैं। बीरबल, आप ही बताइए कैसे पता लगाएं कि इन दोनों में से सच्चा कौन है और झूठा कौन है। कौन सच्चा है कौन झूठा, इसका पता तो हम लगा के रहेंगे जापना। बस हमें कुछ समय की मोहलत दीजिए और तब तक पहरेदार और शहजादे सलीम दोनों को बंदी बना दिया जाए। दिल पे पत्थर रख के बोल रहे हैं, जब तक बीरबल असली चोर का पता नहीं लगा लेते तब तक शहजादे सलीम को और पहरेदार को कैद खाने में डाल दिया जाए। आपकी वजह से हुआ है शहजादे। तुम्हारी? आपकी? तुम्हारी? अरे आपकी वजह से हुआ है ये सब। तुम्हारी वजह से हुआ है? तुम्हारी वजह से हुआ है? तुम्हारी? आ, 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 आ। ओ डड़ियल, तुमने ऐसा कौन सा जुर्म किया है जिसके लिए तुम कैद खाने में आए हो? कमाल है, हमने अपनी जिंदगी में पहला ऐसा इंसान देखा है जो सजा काटने के जुर्म में हंस रहा है। बदतमीज शाइकून है हम, तुमने हम पे हाथ उठाया, इस जुर्म में हम तुम्हें कैद खाने की सजा सुनाते हैं। अरे शहजादे सलीम, ये सजा ही तो काटने आया है कैद खाने में आपके साथ। तुम बेवकूफ हो क्या? हमें थप्पड़ क्यों मारा और उसे भी थप्पड़ मारा क्यों? खाना खाना है? ओहो, मतलब तुम बोल और सुन नहीं सकते? मतलब हम जो भी तुम्हें बोल रहे हैं वो तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? ए ए ए ओहो, अरे बेवकूफ, अगर हम इसके तरफ देख के हंसेंगे तो इसको तो यही लगेगा ना कि हम इसकी बेइज्जती कर रहे हैं, है ना? कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ, बैठ जा। ये तुम्हारी वजह से हुआ, इसके जिम्मेदार आप हैं। तुम हो? अरे आप हो? तुम हो? आप? तुम? आप? 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 बीरबल, ऐसा क्या आप चाहते थे? शहजादे सलीम और ये पहरेदार एक रात कैद खाने में गुजार चुके हैं, आपको भी काफी वक्त मिल गया होगा इस मामले को ठीक से समझने के लिए, तो क्या आप अब हमें बता सकते हैं कि असली चोर कौन है? हाँ जापना, अब हम आपको बता सकते हैं कि चोरी किसने की है। जापना, ये चोरी जिसने की है वो शहजादे सलीम। जापना, ये चोरी जिसने की है वो
शहजादे सलीम। नहीं, 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 नहीं है जाफना। नहीं, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये चोरी इस पहरेदार ने की है। बीरबल, ये बात आप इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं? मतलब देखिए, जिससे पहले हम किसी को सजा दें, हमारे पास सबूत मौजूद होने चाहिए। ये हम भली बात ही जानते हैं जाफर। जाफर, जब शहजादे सलीम ने आपसे महल बनाने के लिए 1.5 लाख सोने की मोहरें मांगी और आपने इनकार किया, तो इन्हें बहुत गुस्सा आया। इन्होंने ठान लिया कि महल तो ये बना कर रहेंगे। उसी इरादे से ये आपके कमरे में घुसे और चाबियां चुराए, और फिर ये शाही खजाने की ओर पहुंचे और ये दरवाजा कैसे खुला है? अंदर से आवाजें कैसे आ रही है? लगता कोई अंदर है। सिपाही, सिपाही, तुम्हारा काम है इस खजाने की हिफाजत करना, और तुम इसी खजाने को चोरी करने की हिमाकत कर रहे हो। शहजादे सलीम, लगता है हुजूर को हमारी खुशियां पसंद नहीं है। अगर हुजूर चाहें तो ये खुशियां थोड़ी सी आपस में बांट सकते हैं। मतलब कुछ नहीं हुजूर, बस इतना है कि अगर आप चाहें तो हम ये पूरा माल आपस में आधा आधा बांट सकते हैं, और किसी को पता भी नहीं चलेगा, और आपका हमारा काम भी हो जाएगा। पर लेकिन हमें पता चल गया है। हाँ, और तुम हमें शाही खून को उन्हीं के खजाने में से घूस देने की कोशिश कर रहे हो। शहजादे सलीम, अगर आप किसी से भी कहेंगे कि ये चोरी हमने की है, कोई भी यकीन नहीं करेगा। लेकिन अगर हम ये बात किसी से कह देंगे कि ये चोरी आपने की है, तो कोई भी यकीन करेगा, क्योंकि हम सालों से शाही खजाने के चौकीदार हैं। अच्छा, मतलब तुम हमें धमकी दे रहे हो? नहीं हुजूर। अच्छा अच्छा, हम तो आपको समझा रहे हैं। समझा रहे हो? तुम हमें समझा रहे हो? अभी अभी हम सबको चिल्ला चिल्ला के बताते हैं कि तुम चोर हो। चोर, 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 चोर खजाने में चोर। पहरेदार, तेरी जाबरा, जब हम सब शाही खजाने में पहुंचे तो हमने देखा कि जेवरों से भरी थैली शहजादे सलीम के हाथ में, और बस हमने इन्हें चोर समझ लिया। बस यही हुआ था जाबरा। लेकिन बीरबल, ये पूरी की पूरी कहानी आपको कैसे पता चली? जाबरा, ये पूरी कहानी हमें राधे श्याम जी ने बताई। बीरबल, कौन कौन है ये राधे श्याम जी? आइए राधे श्याम जी। जाबरा, ये राधे श्याम जी। मगर हुजूर, ये तो बोल ही नहीं सकता, और ये तो सुन भी नहीं सकता, ये तो गूंगा बहरा है। आ, उ, आ। अरे हाँ, ये बात तो हम भूल ही गए थे कि राधे श्याम जी सुन नहीं सकते और ना ही बोल सकते, है ना राधे श्याम जी? ये बीरबल जी, जा बना। दरअसल राधे श्याम जी सिर्फ नाम के लिए गूंगे बहरे हैं, काम के लिए नहीं। हमने योजना बनाकर इन्हें गूंगा बहरा बनाकर कैद खाने में भेज दिया था, और उसके बाद जो भी हुआ वो राधे श्याम जी खुद अपने मुंह से इस भरे दरबार में बताएंगे। बताइए जहां पना, जब इन्हें पूरा यकीन हो गया कि ना तो मैं बोल सकता हूँ और ना ही सुन सकता हूँ, तब इन्होंने खजाने की चोरी के बारे में बातें करना शुरू की। तब पहरेदार ने शहजादे सलीम से कहा
कि अगर तुम चोरी में मेरा साथ देते तो हम दोनों खुश होते। तब मुझे पूरा यकीन हो गया कि असली चोर ये पहरेदार ही है। क्यों पहरेदार? गूंगे बहरे राधे श्याम ने बोलती बंद कर दी आपकी। वाह बीरबल वाह, क्या कमाल की समझ बूझ दिखाकर आपने इस संजीदा मामले को अंजाम दिया। सिपाहियों गिरफ्तार कर लो इस पहरेदार को और हम अपने शाही खून शहजादे सलीम को मुआफ करते हैं। माफी? ऐसे कैसे माफी अब्बा हुजूर? शाही खून है हम, ये माफी काफी नहीं है। आपने हमें एक दिन उस कैद खाने में रखा। आपको पता है वहां पे कितने मच्छर थे जिन्होंने हमें काट काट के लाल कर दिया। अब तो हम अपना फौलादी महल बनवा के ही रहेंगे। सिपाहियों जरा इस पहरेदार को छोड़ दो और शहजादे सलीम को कैद खाने में डाल दो। हाँ,